देखिए ये बड़ा बयान इसलिए क्योंकि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई इन गैंग की तरफ से भी। तो राकेश टिकैती ये कहा कि पुलिस के हवाले नहीं, खुद कर देंगे इलाज इन गैंग का अगर हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश इन टुकड़े टुकड़े गैंग ने की और हमारे हितैषी बनने की कोशिश अगर इन लोगों ने की तो इनका स्वागत नहीं है हमारे मंच पर। गैंग के बारे में बता दीजिए जो तमाम लोग किसान आंदोलन के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें कहा जा रहा है वो शाहीन बाग के लोग हैं, जामिया के लोग हैं। वे जोन से यहाँ पर कहा होगे उन्हें दो घंटे को ठीक रखे यहीं बैठा होंगे ये रहेंगे आज आ जान दो उनको हम उन्हें बाहर नहीं भेजने के उनका गोला लाठी दे के और यही गिरेंगे। आपको लगता है कि वो लोग इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश आ जाओ आ जाओ वे आ जान दो उनको आ जान दो आने का ही नहीं कोई भी ये पंचायती सिस्टम का वो था आज गिरेंगे वही मंच के बाहर ही जो ऐसे पकड़े जाएंगे अब उन्हें छोड़ना नहीं ना पुलिस को देना उन्हें दो घंटे बाद पुलिस को देंगे गोला लाठी घेर के वहीं अपना घेर देंगे पर उन्हें देखो जाइए गोला लाठी क्या हो आज दिखाएंगे। ये शाइन बैग और टुकड़े टुकड़े गैंग आ क्यों रहे सर आपके आंदोलन में क्या मकसद है? मुझे क्या पता यहाँ क्या को बैरिकेटिंग लग रही है जो आपका वो भुगतागा खुद जो यहाँ पर गलत नारे लगाओगा हम आज उन्हीं की तलाश कर रहे हैं कहाँ है वे आ जाने दो। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर जो अन्नदाताओं की आज मीटिंग है मुलाकात है उस पर क्या कहेंगे? कहाँ है मीटिंग हमारी तो नहीं है सर सुनने में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे आज किसानों से। हम 7 साल से ढूंढ रहे हैं हमें तो मिल नहीं रहे हैं हम भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार दिल्ली में रह रही हम भी तो मिलना चाह प्रधानमंत्री से भाई यही तो है कम से कम आज वे अपने जो किसान उन्हें बनाए उनसे मिल तो रहे हमसे तो मिल नहीं रहे। लेकिन कोई मैसेज कोई मेरे नाम जमीन है मैं खेती करता हूँ भाई हम भी तो मिलना चाह ना प्रधानमंत्री से अपनी बात ये किसान भी मिलना चाह जो 13 आदमी की कमेटी एक बनी वो भी मिलना चाहती है तो हमारे से भी मिल ले मतलब कोची मिलने जा रहे इतनी दूर किसान जब यहाँ घर पर आ गया उससे तो मिल नहीं रहे ये 700 मीटिंग कर आओगे गामों में जा रहे अब हाँ चौपाल चल रही इन्हें करियान दो घूम रहे डड़ा ऊपर फेंकोगे तो नीचे जरूर आओगा। पुरानी कहावत है गांव में कि जो आदमी घर से भागता था बच्चा तो उसे ढूंढते नहीं थे नु कहते थे कि वो एक बार दूर जाएगा बहुत और फिर उसके घर याद आओगा फिर अपने आप वो वहीं आ जाएगा वहीं आएगा वो इन्हें घूम आने दो पहले गांव घूमता ये ग्रामीण भारत का दर्शन करने जा रहे हैं इनको जाने दो। लेकिन राकेश जी अगर पीएम अगर किसानों से मिलने जा रहे हैं बीजेपी किसान चौपाल अगर कर रही है बीजेपी उससे फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा हम तो कम कर रही है ना इनको 700 नहीं 7000 करनी पड़ेगी 7000 चौपाल करनी पड़ेगी इनको। साजापुर में पोया तहसील है 200 ट्रैक्टर ट्रॉली धान की भरी खड़ी हुई है 800 रुपये से ज्यादा उसका रेट कोई नहीं दे रहा ये किसान वो आया है जो तंग होकर आया उनकी भरी खड़ी है अभी भी जाकर फुटेज मंगवा लो साजापुर में कोई चैनल वाला हो वो उससे जाकर बात करवा लो ये तो तंग है किसान। राकेश जी नितिन गडकरी ने भी कहा है नितिन गडकरी जी ने भी कहा आपने सुना होगा उनका बयान जो आया उस पर क्या कहेंगे? ये फैसले ये बिल वापसी ले लो सरकार अपना ठीक ठीक कर ले काम सिद्धि बढ़ जाए बट में सिद्धि ये आड्डी तिरछी ना बढ़े इसको जाना पड़ेगा बिल्कुल सीधा ये दिल्ली किसानों ने घेर रखी किसी व्यापारी ने ना घेर रखी और दिल्ली के चारों तरफ को किसान बसे हैं इनका पंडा ना छोड़ने के। हाँ एक और चीज राजनाथ सिंह ने जब खुद कहा कि वो किसानों से सीधा बातचीत करना चाहते हैं समाधान निकलेगा। अच्छा राजनाथ सिंह को तो आप लोग खुद ही कहते हैं कि वो किसानों के भाई हैं किसानों से बीच में रहे हैं आपको नहीं तो आपको लगता है कि वो अगर आएंगे बातचीत करने के लिए तब आप बातचीत करेंगे थोड़ा कम्फर्ट जोन बनेगा आपका? हम तो कह रहे हैं कि कोई आ जाओ चाहे ना हो ना क्यों आने की जरूरत है वहां से ही घोषणा कर दो हम बिल वापसी ले रहे हैं उसको ले लो आने की जरूरत कहाँ है। बिल वापसी में से कम में कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है राकेश जी? कोई नहीं। कुछ तो क्योंकि 15 में से 12 में तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए थे मुझे और जोन से 15 मांग में से 12 वे संशोधन कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल खराब है ऐसा बिल बना क्यों दिया था क्या कोई मकान ऐसा रहे कि जिसमें क्रेक आ रही है सब टूट गया है
उसको उसका तो फिर नया निर्माण होता है, नया निर्माण करेंगे बढ़िया। अच्छा एक और चीज़ लगातार जो कही जा रही है कि लगातार ये जो उत्तराखंड हरियाणा के किसान जो मुलाकात करें कृषि मंत्री से, जिन्होंने आगे भी मुलाकातें की, जो कह रहे हैं कि नहीं कानून बिल्कुल ठीक है, उनकी लिस्ट दे दो, उन पर अगर जमीन हो जो उत्तराखंड से है, वे खनन नदी में से रेते का काम ना करते हो, विधायक ने उनको खनन के ठेके दुआ रखे तो उनकी 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 भाषा बोलनी पड़ेगी उनको, तो ये बता देंगे इनसे पूछ लो। अच्छा आप लोग की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई पंचायत बैठने वाली, कोई खाप बैठने वाली है इस पूरे मसले पर? बैठेगी, आओगी, कुछ डिटेल बता दीजिए राकेश जी उसकी। 3-4 दिन रुक जाओ, क्या होगा उस खाप पंचायत, देख लियो होगा खाप पंचायत। रणनीति तो बता दीजिए राकेश जी, हम लोग 20 दिन से कवर कर रहे हैं आंदोलन, कुछ तो रणनीति बता दीजिए कि है क्या, कर क्या रहे। आओगे और आओगे फिर मारेंगे झटका। बेड सांटा लेक आवेंगे, पंचायत ये करेगी, बेड सांटा लेक आवेंगे, सुताई करेंगे इसकी, है जोनसा नहीं मान रहा उसकी, और महिलाएं भी पहुंचेगी ट्रैक्टर बसों में बच्चे। बेड सांटा लेक आ रहे, हमने बता दिया ले आओ भाई, मान नहीं रहे ठीक है, जोनसा पंचायत में नहीं मानता था, बेड से तो बांधते थे और संटे तो सुताई करते थे। बेड संटा लेकर लग रहे कहा पंचायत, अगर कहा पंचायत आओगी तो बेड संटा आओगा, बेड संटा, बेड संटा मतलब आगे की रणनीति है खा पंचायत नहीं है, बेड संटा आओगा, कब होगा, आओगे लेकर आओगे, यहीं यहीं टांग देंगे यहीं। देखिए अलग अलग बॉर्डर से हिंदुस्तान लगातार किसानों की आवाज पहुंचा रहा है, चूंकि आंदोलन का आज 20वां दिन है और 20वें दिन आगे अब क्या इस आंदोलन की दशा दिशा तय होगी, थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान पर राकेश टिकैत ने बताया, उन्होंने बताया कि अब खाप पंचायत भी यहां पर बैठेगी, क्योंकि सरकार भी पंचायत के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो वो कानून लेकर आई है वो कानून उनके हक में है, और यहां पर किसानों की पंचायत हो रही है कि अब सरकार के सामने अपनी मांग को किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि जो एक डेडलॉक बना हुआ है 5 से 6 दौर की बातचीत के बाद वो अभी तक बना ही हुआ है एक तरीके से, और ना इधर से तारीख दी जा रही है ना सरकार की तरफ से तारीख दी जा रही है, अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे में समाधान निकलेगा कैसे, अब ये जो डेडलॉक फंसा हुआ है इसमें तो उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कुछ समाधान निकलेगा। नहीं तो चोई साहब ने कह दिया दो झोटो के सिंह फंस गया वो, हाँ और वो पता नहीं कैसे निकले कैसे नहीं, जब तक चल रहा चलन दो ऐसा, हाँ हम तो यहाँ से सिंह फंस गया, अब तो निकालना तो पड़ेगा कि कब तक, सालों भर सिंह फंसा रहेगा, नहीं वो किसान निकालेंगे उसे, वे चल जाएगा हम में से आ लिया, हाँ अपने परिवार कैसे, कैसे निकालेंगे, हाँ जब थक जाएंगे आप निकल जाएंगे, थक जाएंगे अपने निकल जाएंगे किसान तो थकने वाला, हाँ नहीं, नहीं किसान नहीं थकने वाला, झोटे आपको थक के आप निकल जाएंगे, हाँ जी ताऊ अब कैसे निकलेगा वो तो टिकैत साहब ने कहा कि अब सिंह फंस गए, भाई जैसे उन्होंने टिकैत साहब ने कही है भाई साहब से निकलेगा समाधान, जैसे टिकैत साहब कह रहे हैं कि मतलब जब सिंह फंस गए हैं तो वो उसको भी वो होगा मतलब समाधान बात करेंगे। टिकैत जी ने तो ये भी कहा कि सुलह की चाबी है, उन्होंने कहा फार्मूला है मेरे पास, मैं बाद में बताऊंगा वक्त आने पर, बस वो क्या है फार्मूला उनके पास है वो ही देसी, मतलब फार्मूला बना रखा है उन्होंने, बना रखा हुआ उन्होंने बढ़िया फार्मूले पर, अब आजकल में अमल कर दे ये सरकार करे ना अमल, अपना पहले फार्मूला दे तब फिर हम देसी फार्मूला उसमें देखेंगे कितना हमारा कामयाब होता है। अच्छा हाँ और फार्मूले में होगा तब, आप तो 85 साल के आप हो, बताओ जरा। देखिए फार्मूला कामयाब क्यों नहीं होगा, ये आंदोलन तो जन आंदोलन बन चुका है और जितना जितना देसी भाषा में कहते हैं ना, जो जो भींगे कामरी त्यो त्यो भारी हो, तो ये सरकार को मुश्किल पड़ जाएगी, इसलिए जल्दी समेटा कर दे वो अच्छा है, मेरा मानना है। हाँ जी भाई साहब कैसे कैसे निकलेगा बताओ, और रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता ऐसे निकलेगा कि प्यार से मानेंगे प्यार से निकल जाएगा, जैसे इनकी इच्छा वैसे मान लें, रास्ता तो निकालना। खा पंचायत, खा पंचायत भी अब कह रहे हैं कि वो भी अब यहाँ पर लगेगी पंचायत, यहाँ पर पंचायत तो भाई साहब हम सब एक हैं, हमारे जैसे हमारे ऊपर वाले जैसे कहेंगे वैसे हम चलेंगे उनके पीछे, हम तो एक सेना है, किसान सेना है कि हम जैसे, यानी किसान यानी किसानों ने सब कुछ तय करके अब सरकार पर छोड़ दिया, बताओ क्या आगे करना क्या, हम तो अपनी बात क्लियर कर चुके हैं। देखो जी हमारे यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है, सब भाई भाई हैं, कोई हमारे में भेदभाव नहीं है, कोई मीडिया वाला को कुछ कहता रहे कोई फलाना टूट गया, ये जी एक दूसरे को भ्रम फैलाने वाली बात है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे वैसे ही हम कहेंगे, ये उन्होंने कहना इधर को चढ़ाई कर दो, हम जब भी तैयार हैं, फौरन से पहले तैयार हैं, कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ
कानून वापस ले ले बस। देखिए शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन और ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हमें जैसा आदेश होगा ऊपर हमारे नेताओं का, हमारे बुजुर्गों का, उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू हर्षा। यहाँ की स्थिति पे प्रत्युष वैसी ही है जैसे गाजीपुर बॉर्डर की है। देखिए यहाँ पर भी जो किसान जत्था है और यहाँ पर जो तमाम किसान है वो मन बना चुके हैं और जो किसान नेता कहेंगे उसके ऊपर इन्हें पूरा भरोसा है, मतलब यकीन है कि जो भी किसान नेता बात कर रहे हैं आगे की रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि देखिए आपसे एक घंटे के बाद किसान नेताओं की मीटिंग है, 12 बजे का आज वक्त निर्धारित किया गया है जब मीटिंग होनी है और हितेन उस मीटिंग में पहुंचेंगे, जाकर के अंदर क्या रणनीति बनाई जाएगी ये बात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो किसान भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं जरा बात भी कर लेती हूँ। आगे क्या लग रहा है, बड़ा लंबी अब ये लड़ाई होती चली जा रही है? कोई बात नहीं, लंबी हो जाए, जितनी मर्जी लंबी हो जाए, किसान अपना काम निबेड़ कर यहाँ पर बैठे हैं, मजबूरी के खातर बैठे हैं, शौक से नहीं बैठे। तो वो हम तीनों बिल जो रद्द करा के ही जाएंगे वापस, तब तक हम लोग नहीं जा रहे। ये देख लो हमारे पास पूरा सामान राशन सारा कुछ है, रहने का प्रबंध भी है, तो हम लोग वापस कराए बिना नहीं मानेंगे। लेकिन आखिर क्या वजह है जो सरकार की और जो किसान भाई है उनके बीच की बात बन नहीं पा रही है ये भी जान लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ पहुंच रहे हैं, वहां पर जो पंजाबी किसान है, पंजाब का किसान है, उससे बात करने के लिए, क्या वहां से सुलह का रास्ता निकल पाएगा? मैम ये तो देखो मोदी जी के हाथ में है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बिल वापस हो जाएं, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है जी, हमारे बिल वापस करते हैं तो ठीक है, हम और हम तो यहाँ पर एक मकसद के लिए है कि हमारे बिल वापस हो जाएं, जो खेती कानून बनाए हैं वो वापस हो जाएं, बस बैठना यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता, लेकिन जो मकसद लेकर के आए वो पूरा हो जाएगा तभी वापस जाएंगे। जैसा भाई ने कहा कि मोदी जी के हाथ में है, आपको भी लग रहा है उनके हाथ में वो चाहे सुलह हो जाएगी? मैम मैं एक पत्रकार हूँ, मैं बोल रहा हूँ लगातार इनकी कवरेज कर रहा हूँ पंजाब से लेकर आज तक। इनका मकसद ही एक है भी हमारे जो बिल हैं वो वापस हो जाएं, जो तीन काले कानून हैं वो वापस हो जाएं। और लगातार हम भी यही चीज कवर कर रहे हैं, जैसा आप दिखा रहे हैं यही चीज लगातार हम भी कवर कर रहे हैं। अच्छा मुझे गाजीपुर का इस वक्त रुख करना है क्योंकि हर्षा वहाँ पर मौजूद है। हर्षा क्या गाजीपुर का किसान कह रहा है वो भी जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए शालिनी गाजीपुर का मैं आपको पूरा माहौल दिखा देती हूँ, ट्रैक्टर पे भी किसान आपको नजर आएंगे और यहाँ पे किसान भाई जिस तरह से आप मौजूद है उससे साफ देखने को लगता है कि तैयारी पूरी है और यहाँ से तो मूव नहीं करने वाले। दिगंबर जी एक्सक्लूसिव जानकारी हमको मिली कि खाप पंचायत होने वाली है, थोड़ी डिटेल हमारे दर्शकों को भी दे दीजिए क्या होने वाला है खाप पंचायत में। 17 तारीख को खाप पंचायतों ने फैसला लिया है और सारे खाप के चौधरी बड़ी संख्या में किसानों को साथ लेकर इधर की तरफ आ रहे हैं दिल्ली की तरफ और यही निर्णय लेगी खाप पंचायत, जो बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सफर में हो या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर, ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप, 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा, जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।